नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां बात करते हैं पावर बीआई पे। हम पावर बीआई की नई इंटरफेस पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारे ऑलरेडी जो कोर्स है पावर बीआई का, उसी में हम अपडेट कर रहे हैं पावर बीआई 2024 के नए अपडेट। अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो मेरा एक कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना होगा, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, या फिर आप app.iptindia.com वाली वेबसाइट पे जाइए, मोबाइल नंबर से लॉग इन कीजिए और यहाँ पे आपको इसका इंटरफेस दिखेगा। तो पावर बीआई कोर्स जिसमें ऑलरेडी 98 वीडियोज हैं, उसी वीडियोज के अंदर में हम एक और नया वीडियोज ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि नए इंटरफेस के जरिए क्या क्या कर सकेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पावर बीआई पे, जहाँ हम डेटा लगाएंगे, डेटा को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम डेटा एक नए फिर से दोबारा से शुरू करते हैं पावर बीआई को, और हम शुरू से बताते हैं कि कोई रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। Recording in progress. तो नए अपडेट में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई एक रिपोर्ट आपको बना के देखेंगे। अभी जैसे नया पावर बीआई खुला तो मैं ब्लैंक पे जाके एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक का प्लेटफॉर्म दे देगा मेरे पास। अब यहाँ पे बहुत सारे डेटा हैं जो कि आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बीआई टेबल, एक जो स्टैंडर्ड टेबल है, जो सबके लिए यूज करता हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं C1 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लोड पे क्लिक करता हूँ। लोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ डेटा आ गया। डेटा कहाँ गया? डेटा टेबल में गया, जाके देख सकते हैं डेटा टेबल में, डेटा टेबल आ चुका है। अभी मैं बार बार यूज कर रहा हूँ तो बार बार ये आपको अप्लाई चेंज इंजन के बारे में बोलता है। पिवट की तरह रोल करता है कि अपना बैकएंड में मेमोरी में डेटा सेव रखता है। अब देखिए C1 के नाम से ऑलरेडी डेटा है, डेटा को चेक करने के लिए आप जा सकते हैं। अब किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए आपको डेटा पता होना चाहिए कि आपका डेटा क्या है। तो बेसिकली मेरा सिंपल सा सेल्स का डेटा है, जिसमें डेट, स्टोर, एसओ, आईडी, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंट में नहीं है तो मैं इस पे क्लिक करके परसेंट पे क्लिक करता हूँ तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अभी इसमें डेसिमल प्लेसेस को जीरो कर देता हूँ तो डेसिमल प्लेसेस जीरो आ जाएगा, प्रोडक्ट है। अब मुझे इस पे सेल्स सेल्स का डैशबोर्ड चाहिए, तो सबसे पहले हम आते हैं डैशबोर्ड। सबसे पहले पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो चेंज करें। तो जब जो भी विजुलाइजेशन सिलेक्ट करेंगे या फिर आपका पेज सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है। एक आएगा बिल्ड विजुअल, दूसरा आएगा उसका फॉर्मेट। इसकी फॉर्मेट पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आता है कैनवास बैकग्राउंड या वॉल पेपर। वॉल पेपर में अपने हिसाब से जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से वॉल पेपर, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ गूगल पे आया और यहाँ पे मैंने बोला कि पावर बीआई डैशबोर्ड वॉल पेपर। यहाँ इमेज सेक्शन में जाऊंगा तो बहुत सारे वॉल पेपर मुझे मिल जाएंगे रिपोर्ट्स के, मतलब रिपोर्ट के जो वॉल पेपर होता है बैकग्राउंड उसको हम लोग कहते हैं, वो मिल रहा है, जिसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं अपने रिपोर्ट्स में या जहां भी मर्जी करना है करना चाहे कर सकते हैं। बहुत सारे वॉल पेपर आपको आ जाएंगे यहाँ पे ग्रेडिएंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ग्रेडिएंट आएगा। तो मेरे हिसाब से मैं यूज करने वाला हूँ ए वाला वॉल पेपर। बहुत सारे आ गया, कुछ समझ में आ रहा है क्या यूज करूं क्या। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ आते हैं, ये वाला ये सही रहेगा, क्योंकि अगर मैं डार्क लेता हूँ तो फिर मुझे कलर वगैरह चेंज करना पड़े। तो इस इमेज को मैं कर लेता हूँ सेव, डाउनलोड के अंदर सेव कर लिया। देन हम यहाँ आते हैं अपने इस पे कलर पे नहीं, ब्राउज पे, ब्राउज पे क्लिक करके डाउनलोड पे चलते हैं और वॉल पेपर को ले लेते हैं। देन ओके अब इसकी क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं, मैं बोलता हूँ कि फिट होना चाहिए पूरे पेज में, तो पूरे पेज में फिट हो गया। अब वॉल पेपर थोड़ा सा फट गया है क्योंकि लग रहा है कि सही यहाँ पे डाउनलोड करते समय सही साइज सेलेक्ट नहीं हुआ है। देखिए विजिट वेबसाइट पे करेंगे या इसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब, अब सही है, इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज करता हूँ।
अब इसको एक बार वापस पावर बी में आता हूँ, उसको यहां से वॉलपेपर यहां से मैं इसको रिमूव करता हूँ, और अगेन ब्राउज करके मैं यहां से ए वाला वॉलपेपर लेता हूँ। ये सही है, नॉर्मल के जगह आप इसको फिट कर दीजिए, आपका फिट हो जाएगा, तो पहले से बेटर दिख रहा है। इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, इसका नाम देता हूँ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। एंड ये आपके बहुत सारे ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो एक बार डेटा समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। अब इसमें मैं यहाँ पे कुछ देना चाहूंगा, जैसे कि मैं क्वांटिटी यहाँ पे क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, किसके अंदर, गट चार्ट के अंदर, कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और कितना सेल हुआ, तो दिखाना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को लिया और इसमें अपना टारगेट डाल दिया, टारगेट्स मिनिमम वैल्यू नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम में ये टारगेट हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और इसकी यहाँ टाइट यहाँ फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ तो देखिए कलर्स है, लेवल्स है, जनरल, दो सेक्शन में बढ़ गया, विजुअल और जनरल, पहले एक ही सेक्शन था, अब दो सेक्शन में बढ़ चुका है। तो हम यहाँ पहले जनरल पे आते हैं, जनरल पर इफेक्ट में आते हैं, बैकग्राउंड को कर देता हूँ ऑफ, मुझे बैकग्राउंड नहीं शो करना है, ठीक है। टाइटल में आता हूँ और टाइटल में यहाँ पे लिखता हूँ सोल्ड क्वांटिटी। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाना है अपना प्रॉफिट, और यहाँ हमने गट चार्ट को लिया और यहाँ पे रखा, और अपनी जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को उठा के मैंने इसके ऊपर डाल। सेम मैं जाता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले कलर, इसकी कलर जो है होना चाहिए ग्रीन टाइप का, क्योंकि प्रॉफिट थोड़ा सा ग्रीन होगा तो सही रहेगा। अब इसकी मैंने मैक्सिमम तैयार नहीं की है, तो फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, और इसकी बैकग्राउंड को भी ऑफ कर देता हूँ, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। इफेक्ट में बैकग्राउंड ऑफ कर दिया, और टाइटल अपने हिसाब से डालना है, डाल दीजिए सम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये बन चुका है। अब यहाँ पे मुझे पहले कुछ ये क्या चाहिए, कुछ स्टैटिक्स चाहिए, कुछ स्टैटिक्स चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किए 1 2 3 जिसको बोलते हैं कार्ड, कार्ड भी यूज किया। अब इस कार्ड में मैंने अपने टोटल क्वांटिटी को डाला, क्वांटिटी डालने के बाद मैं जाऊंगा इसकी फॉर्मेटिंग में, सबसे पहले तो ये जो नीचे सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है उसको रखना रखिए, या फिर टाइटल देना टाइटल दे दीजिए। इसके बाद मैं चला गया इफेक्ट में, इफेक्ट में मैं इसको कर देता हूँ बैकग्राउंड नहीं, बट मैं इसके अंदर शेडो कर देता हूँ, कुछ इस तरह से थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब बार बार फॉर्मेटिंग चेंज करना होगा, उससे अच्छा है कि हम यहीं पे पेस्ट करते चले जाते हैं, और यहाँ पे अगला लेते हैं। अगला हमारा ऑप्शन क्या है, मैं चाहना चाहता हूँ रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो मैंने अमाउंट डाला कि सम अमाउंट, देन कॉपी करता हूँ कि इसके अंदर मेरा एवरेज एमआरपी क्या था, एवरेज रेट क्या था, तो सम ऑफ अमाउंट को हटा के मैंने एमआरपी को ड्रॉप किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया एवरेज, तो एवरेज एमआरपी ये रहा। देन मुझे पता करना है कि एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को रखूंगा, और प्रॉफिट परसेंटेज को भी एवरेज कर दूंगा, तो ये आपको 49% का प्रॉफिट है। देन मैं यहाँ पे डालूंगा कि कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है वो यहाँ पे हमने अपनी प्रॉफिट को कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं देखूंगा कितना इनवाइस, कितना बिल हुआ, टोटल बिल कितना हुआ। अब बिल जो हुआ है ना वहां पे, तो अगर मैं इनवाइस के लिए सिंपल सा अगर मान लीजिए आईडी को रख देता हूँ फिल, और इसको काउंट ऑफ आईडी, तो यहाँ पे काउंट ऑफ आईडी आया जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो सेटिंग में जाके लेवल हटा देता हूँ और यहाँ टाइटल ऑन करता हूँ, क्योंकि इस सम अमाउंट जैसे फीचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल में देते हैं टोटल बिल, टोटल, हाँ टोटल बिल कर दीजिए, टोटल काउंट कर दीजिए, जो डालना है डाल सकते हैं, ये आपका आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टैटिक दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट लिया, और कॉलम चार्ट में मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट वाइज टोटल
टोटल, क्योंकि मेरा जो सेल्स है यहाँ पे रेवेन्यू है, तो मैं टोटल पहले क्वांटिटी देना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी कितना सेल हुआ है। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग करनी होगी। मैं सबसे पहले तो इसका डेटा लेवल ऑन करूंगा ताकि इसके ऊपर डेटा लेवल आ जाए। उसके बाद लेजेंड में जाता हूँ, इसकी इफेक्ट को यहाँ पे 3D शैडो कर देता हूँ, बैकग्राउंड को ऑफ कर देता हूँ, सिंपल सा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगेन मैं ए लेता हूँ, मुझे कंपेयरिंग करना है, कॉम्बो चार्ट लेता हूँ, मुझे कंपेयरिंग करना है बिटवीन अमाउंट एंड प्रॉफिट, बिटवीन अमाउंट एंड प्रॉफिट बाई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को लिया मैंने, अमाउंट को लिया, और यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉफिट को ले लिया। बट प्रॉफिट चला गया कहाँ पे, ऊपर में। तो प्रॉफिट को यहाँ पे सम कॉलम एक्सेस हटा के लाइन एक्सेस में रखता हूँ ताकि प्रॉफिट मुझे लाइन बाय चाहिए, तो लाइन बाय आ गया। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, तो मुझे क्या क्या चाहिए। इसमें हम आते हैं डेटा लेवल, डेटा लेवल आ गया, सीरीज लेवल देने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद जनरल पे आते हैं, टाइटल, टाइटल यहां से ऑफ कर दीजिए, टाइटल ऑफ हो जाएगा। इधर आइकन ये वाला है, यहाँ इफेक्ट में बैकग्राउंड ऑफ कीजिए, शैडो को ऑन कर दीजिए, और ये सम अमाउंट आ रहा है इसको भी हटाना है, तो इसमें लेजेंड दिखेगा आपको। लेजेंड यहाँ से ऑफ कर दीजिए, तो ये आपका ऊपर दिखना बंद हो जाए। फिर मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहिए कि मेरे जो स्टोर है ना, स्टोर के हिसाब से क्या क्या सेल है, तो इसके लिए गट चार्ट चाहिए। यहाँ से गट चार्ट लिया और यहाँ हमने इसको लिया, एंड यहाँ हम अपना स्टोर रखता हूँ, इसके अंदर स्टोर में अपनी क्वांटिटी या जो भी डालना है डाल दीजिए यार। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग है, इस पे आते हैं, लेजेंड हटा दीजिए, लेजेंड नहीं चाहिए, थोड़ा बड़ा होगा। डेटा लेवल्स है यहाँ पे, आउटसाइड चाहिए इनसाइड चाहिए, तो मैंने बोला कि प्रिफर इनसाइड, पर इनसाइड में अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है, तो सो आउटसाइड ही सही रहेगा, तो हम यहाँ पे आउटसाइड कर दूंगा। और यहाँ मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए कैटेगरी और परसेंट ऑफ टोटल, तो जिसमें बताएगा कितना परसेंट क्या इसकी सेल कंट्रीब्यूशन है। देन जनरल में जाऊंगा और टाइटल रखना रखिए, अदरवाइज इसको हटा दीजिए। उसके बाद इफेक्ट में आता हूँ, इसकी बैकग्राउंड हटाता हूँ, शैडो डाल देता हूँ। अब इसमें जो डेटा लेवल है ना, वो सही से विजुअल नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे केसेस में डेटा लेवल डिटेल्स की वैल्यू सेक्शन में आते हैं, इसकी कलर को हम व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट में भी ठीक नहीं दिख रहा है क्योंकि ज्यादा हो गया, ग्रीन नहीं दिख रहा है सही से। तो कलर मिक्सअप है सारे के सारे, तो ब्लैक सही रहेगा, ब्लैक ही सही है, कलर सही है, बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, अब सही दिख रहा है। अब नीचे मुझे चाहिए फ्लो, तो मैंने फ्लो के लिए लाइन चार्ट को यूज किया, मुझे फ्लो देना है अपने सेल्स एंड टारगेट एंड क्वांटिटी को देना है मंथ वाइज, कि कितना टारगेट यूज हो रहा है। तो मैं सबसे पहले डेट लेता हूँ यहाँ पे, डेट डेट को रखा, एंड यहाँ पे वाई एक्सिस में क्वांटिटी, सॉरी एस डाल दिया, वहां पे क्वांटिटी डालना है, क्वांटिटी एंड टार। अब ये क्या हुआ कि मंथ वाइज है, तो मैं इसको डे वाइज चाहिए, तो मंथ हटा देता हूँ, क्वार्टर हटा दिया और ईयर हटा दिया, तो डेट वाइज इस तरह से अभी दिख रहा है, ईयरली है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब इसकी भी मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, सबसे पहले इसकी इफेक्ट और ले ऑफ कर दिया, विजुअल शैडो को ऑन कर दिया, ठीक है, एंड वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग में आता हूँ, यहाँ पे फिल फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट और विजुअल, और यहाँ पे जो हमारे लाइंस है लाइंस पे आता हूँ,
तो ये सॉलिड है, सही है, राउंडेड है, सही है, तो इसकी मोटाई बढ़ा देता हूँ। कलर, कलर में आता हूँ, इसकी कलर जो है कलर यहाँ चूज करना पड़ेगा, फिल्ड है। तो सम ऑफ क्वांटिटी लिया मैंने, सम ऑफ क्वांटिटी को मैंने बोला कि इसकी कलर जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। इसके बाद सम ऑफ टारगेट लिया, सम ऑफ टारगेट इसकी राउंडिंग काफी ज्यादा है तो इसका मैं 5 फिट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इसका कलर ब्लू नहीं रखता हूँ, इसका आता हूँ कलर इसमें ये सही रहेगा, थोड़ा सा लाइट कलर करके। एंड यहाँ हम विजुअल में आते हैं, विजुअल में इस टारगेट को पीछे कर देते हैं, क्वांटिटी को पैक, तो जहां जहां दिख रहा है जो वहां वहां हमारा टारगेट से बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमें और करना है स्लाइसर, तो फिल्ट्रेशन के लिए तो मैंने स्लाइसर को लिया और इसमें ईयर डाला, मैं अपना ईयर डाल रहा हूँ। ईयर में यहाँ स्लाइसर की सेटिंग होती है, तो पहले तो था कि यहीं पे सेट कर सकते थे स्लाइसर सेटिंग क्लिक करके, लेकिन आप यहाँ अब विजुअल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में यहाँ आपको देना है टाइल या जो भी है वर्टिकल लिस्ट या स्लाइसर सेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे रखा मैंने इसको। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पे जनरल में इफेक्ट ऑफ कर देता हूँ मैं। उसके अलावा यहाँ आपने सिलेक्शंस को मल्टीपल कर सकते हैं, स्लाइसर ही वैल्यू के कलर चेंज कर सकते हैं, एक ब्लैक है कुछ और होना चाहिए, तो मैंने बोला कि यहाँ पे रेड होना चाहिए, रेड कर दीजिए। बैकग्राउंड कलर अभी नहीं है, बैकग्राउंड कलर डालना है तो कुछ डाल सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड इस तरह से डाल दीजिए, जो भी डालना है डाल सकते हो आप। सही रहेगा। ईयर अब इसी को कॉपी करते हैं, मंथली चाहिए मुझे यहाँ पे, यहाँ पे लेके रखा, अब ईयर यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसके अंदर मैं अपना मंथ डालना चाहता हूँ, बट यहाँ ईयर मंथ का कोई फील्ड है, हाँ है, इसको डाल दिया, बट ये क्या है मंथ टेक्स्ट में इसे अप्रैल से आ रहा, लेकिन मुझे जनवरी से चाहिए, तो डेट को यहाँ डालेंगे और इसमें से हम हैरिकल करेंगे इसको, क्या करेंगे हैरिकल, कैसे किया हैरिकल, तो डेट को मैंने यहाँ पे डाला और हैरिकल के लिए जो दिख रहा है इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डेट हैरिकल होगा, तो इस तरह से पूरा ग्रुप हो जाए। तो मुझे ईयर नहीं चाहिए, क्वार्टर नहीं चाहिए, डे नहीं चाहिए, मंथ चाहिए, तो मंथ आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, इसको थोड़ा सा ये होता है नीचे नीचे भी। ओके, अब यहाँ पे टाइटल भी चाहिए, तो मैं इंसर्ट में आता हूँ और एक टाइप यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स टाइटल के लिए, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि सेल्स डैश बोर्ड 2024, इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको बोल्ड किया, और इसकी साइज को मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ, तो बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा फन करता हूँ, 36 सही रहेगा। और इसकी एकदम आता हूँ इसके इफेक्ट में, बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ, शैडो ऑन कर देता हूँ, इसको साथ में बीच में रखना है तो बीच में रख दीजिए, जहाँ रखना हो रख। अब मेरा रिपोर्ट बन के तैयार ही है। अब मैं यहाँ 2020 मान लीजिए 2023 पे क्लिक किया, 2023 के रिपोर्ट आएगा, देश और देश के जनवरी में क्लिक किया, 2023 के जनवरी रिपोर्ट आ गया। बट यहाँ मैं इस तरह से इसका यूज कर सकता हूँ। अब इस रिपोर्ट को देखे कैसे, तो इसके लिए पहले इसको सेव कीजिए, मैं सेव करता हूँ,
सेल्स डैशबोर्ड 2024 सेव किया। अब मेरा यहाँ पे आईडी लॉगिन है तो मुझे वेब वर्जन में इसको भेजना है, तो जस्ट इसको पब्लिश पे क्लिक करूंगा। जैसे पब्लिश पे क्लिक किया, यहां से मैं अपना वर्क स्पेस सिलेक्ट किया एंड सिलेक्ट कर दिया एंड कुछ ही देर में पब्लिश हो जाए। और होके कहाँ जाएगा? ये जाएगा मेरे वेब कंसोल पर, जो मैंने पावर बी आई का हमारा वेब कंसोल है वहां पे जाएगा, यहाँ पे। इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। वर्क स्पेस पे आ गया, यहाँ पे ये आपका डेटा सेट आ गया, ये आपका मॉडल आ गया। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें एडिट वगैरह भी करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एक्सपोर्ट करना चाहे तो यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करना चाहे तो किसी को शेयर कर सकते हैं ईमेल आईडी डाल के यहाँ से। इसके अलावा इसको डाउनलोड करना, सेव कॉपी करना चाहते हैं डाउनलोड करना चाहते हैं, परमिशंस मैनेज करना चाहते हैं कि कौन क्या क्या करेगा, तो यहाँ पे आप इस रिपोर्ट की परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस कौन कौन करेगा, पेंडिंग कौन कौन है। क्योंकि शेयर कोई किया नहीं, इसलिए लिस्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसका हम सेट कर सकते थे। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, इसकी वेब इसको भेजना चाहता हूँ, तो मैं इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इसको एम्बेड कोड करना है, जिसमें हम करेंगे सेल पॉइंट पे डाल सकते हैं या फिर किसी वेबसाइट पोर्टल पे डाल सकते हैं या किसी लिंक बना के पब्लिकली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिंक बना के पब्लिकली कर दिया, इसको पब्लिश कर दिया। अब मैं इस पावर बीआई के लिंक किसी को भी भेजूंगा तो वो बंदा इसको जस्ट डबल क्लिक करके इस रिपोर्ट को देख सकता है सिंपली, और देख ही नहीं सकता, यूज भी कर सकता है कि मुझे 2022 का चाहिए, 22 के फरवरी का चाहिए या 2023 का, मुझे अप्रैल का चाहिए, और भी मंथ यहाँ पे क्लिक करेगा अलग अलग आ जाए। यहाँ पे अब मान लो जो साइशन नहीं उसको भी देख सकते, एक्सेल का चाहिए जस्ट क्लिक करेगा एक्सेल पे, पूरा रिपोर्ट एक्सेल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाए पूरा का पूरा। इस तरह से पावर बी आई यूज कर सकते हैं। इसमें डैक्स फंक्शन वगैरह भी इंक्लूडेड होगा, वो हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। डैक्स फंक्शन सेम ही है, कुछ इसमें नए फंक्शन आए हैं जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। थैंक यू।